सब्सक्राइब करें संजीवनी होम्योपैथी चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इस तरह की स्वास्थ्यवर्धक जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू। हर दिन 3 बजे से 3:30 बजे के बीच में आपका बच्चा खाना खाता है। सुबह का खाना 3 बजे से देखिए 3:30 बजे दोपहर में आपका बच्चा खा रहा है। शाम को 5 बजे से लेके 7 बजे के बीच में बच्चा ट्यूशन जा रहा है। खेलेगा कब हमारा बचपन? हमारे बच्चों का बचपन कब खेलेगा? यदि खेलेगा नहीं तो फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होगा? फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा तो बॉडी मजबूत कैसे होगी? बॉडी मजबूत नहीं होगी तो डाइजेशन ठीक कैसे होगा? खाना कैसे पचेगा उनका? और खाना पचेगा नहीं तो बच्चे फिजिकल चीजें करेंगे कैसे और बीमार रहेंगे? और यदि बीमारी ज्यादा हो रही है तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। कर क्या रहे हैं हम? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। या तो नंबरों की दौड़ में बहुत ज्यादा भागने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपने बच्चों को फिजिकल डेवलपमेंट से काफी दूर रख रहे हैं और मोबाइल के पीछे भाग रहे हैं, जिस तरह से ये अभी बज रहा है। इस तरह से मोबाइल दिन भर बच्चा साथ में रख कर और इस मोबाइल्स में गेम खेल रहा है। इन मोबाइल गेम्स के पीछे पूरा बचपन बीता जा रहा है। बात बहुत कड़वी है लेकिन बहुत सच है। पूरा बचपन इसी मोबाइल गेम में बीत जाएगा। और हम अपने बच्चों को गेम्स कैसे खेलते थे हमारे बचपन में वो नहीं सिखा पाएंगे। आप देख रहे हैं डॉक्टर विभूति शर्मा को और मैं डॉक्टर विभूति शर्मा, मेरे चैनल में आप सभी हैं। और इस वीडियो के साथ मैं केवल एक ही बात बोलना चाहता हूं कि बच्चे बीमार क्यों हो रहे हैं? बच्चों का बचपन खराब कर रहे हैं हम लोग। आप मेरी बात को भले ही किसी भी तरह से लें लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और हर बार जब कोई पिता या कोई माँ अपने बच्चे को लेकर आती है क्लिनिक में तो मैं हर बार उससे एक ही सवाल पूछता हूँ, बेटा सुबह का भोजन, सुबह का खाना कितने बजे होता है? बड़े शान से माता पिता बोलते हैं, सर स्कूल से 3 बजे आता है उसके बाद खाता है। बहुत बड़ा सोचने का विषय है। और मेरे ख्याल से ये जो टाइमिंग्स स्कूल्स की हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया। सुबह का जो खाना है वो 3:30 बजे मिल रहा है, दाल चावल सब्जी रोटी जो पूरा खाना हम खाया करते थे। खाने में टिफिन तो दो दो लेके चले गए बच्चे, लेकिन उस टिफिन में पराठे या सब्जी या इस टाइप की कोई चीजें दो बार में खाया। लेकिन जो सुबह का मेन खाना था जो हम 11-12 बजे या 12:30-1 बजे तक खा लिया करते थे वो 3 से 3:30 बजे शिफ्ट हो चुका है। उसके बाद भी जब बच्चा आएगा खाएगा 3:30 बजे के बाद, जब खेलने का मन होगा 4 बजे 5 बजे 6 बजे, उस दौरान हम बच्चे को ट्यूशन भेज दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बच्चे को ट्यूशन नहीं भेजना है या आपका बच्चा कमजोर है तो आप उसको नहीं भेज रहे हैं, ऐसा मतलब बिल्कुल मत निकालिए, क्योंकि मुझे पता है आप ऐसा मतलब निकाल सकते हैं। ऐसा मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि क्या हमारे बच्चों का बचपन खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा। स्कूल में 1/2 से 1.25 घंटे का जो खेलने का पीरियड है वो हमारे बच्चों के लिए कंफर्मेशन का जरूरी नहीं है कि उसमें वो बच्चे खेल पा भी रहे हैं या नहीं खेल पा रहे। शाम को 5:30 से 6:00 बजे 7 बजे तक का जो टाइम है 5 से 7 बजे का, क्या हमारे बच्चे उस दौरान कभी भी गलती से भी खेलने जाते हैं या नहीं? या केवल संडे को हम एक बॉल लेकर जा रहे हैं या एक क्रिकेट का बैट लेकर जा रहे हैं और केवल संडे को हम प्लान कर रहे हैं कि हाँ हम खेलने जाएंगे? तो क्या ये पॉसिबल है कि इन बच्चों का जो आने वाला देश का भविष्य है वो ठीक से अपने फिजिकल स्टैंडर्ड्स को, फिजिकल लेवल को पा पाएगा या बीमार ही रह जाएगा? बात बहुत सोचने की है।
हर माता पिता को इस बात को सोचना पड़ेगा और जागना पड़ेगा कि इस खिलौने से हम कितने दूर जाएं। हमारे पास जब भी बच्चे आते हैं, बीमार होते हैं, या कॉन्स्टिपेशन कब्जियत है, या सांस की तकलीफ होती है, अस्थमा हो रहा है, बहुत जल्दी थक जा रहे हैं, थायराइड की प्रॉब्लम हो रही, जिसकी समस्या आ क्यों रही है, कभी सोचा है इस बारे में कि ये सारी समस्याएं आपको क्यों आती हैं? सभी समस्याओं का एक ही मूल मंत्र है, वो ये है कि बच्चा या बड़ा या बुजुर्ग जो भी है, यदि वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, गेम्स नहीं खेल रहा है, इंजॉय नहीं कर पा रहा है और तनाव में चल रहा है, तो वो बीमार पड़ेगा। इस वीडियो के माध्यम से मेरा बताने का केवल एक ही मकसद है, फिजिकल एक्टिविटी करवाइए, करवाना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। और मजबूरी छोड़ दीजिए दोस्तों, हमारे को हमारे बचपन को खेलने देना है। बहुत ही कड़वे शब्दों में मैं आज उन सभी माता पिता से ये बोलना चाहता हूँ कि यदि आपके बच्चे खेलने कूदने नहीं जा रहे हैं, आसपास कुछ भी माहौल नहीं है, तो ऐसा माहौल घर में क्रिएट करने की कोशिश करें। ज्यादा सोफे कुर्सियां लगा के घर सजाने से ज्यादा जरूरी है सामने के हॉल को कम से कम खेलने लायक बना दें, हमारे बच्चे खेल पाएं, वीडियो गेम्स में जीवन को ना बिताएं। फिजिकल एक्टिविटी, खेलना कूदना, अपनी जमीन में जाना, जंप करना, एंजॉय करना, बेसिक गेम्स खेलना, जहां फिजिकल स्ट्रेंथ की बात हो, ऐसे गेम्स खेलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपका बच्चा ऐसा नहीं कर पा रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा, सोचिए, क्योंकि किताबी ज्ञान से ज्यादा जरूरी फिजिकल एक्टिविटी और फिजिकल और नेचुरल ज्ञान है जो उनको नहीं मिल पा रहा है। किताबी दौड़ से दूर भी एक दौड़ है जो हमें दौड़नी है, वो ना जाने कब दौड़े थे। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगा, ना भी पसंद आए तो एक बार फिर से इसको वीडियो को देखना और सोचना कि जो बात मैंने बोली है वो बिल्कुल सही है या 16 आने सही है या पूरी तरह गलत है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इन बातों को सोचते हैं और अमल में लाना चालू करते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, मेरे लिए नहीं, मेरे घर के बच्चों के लिए नहीं, पूरे देश के घर के बच्चों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।